नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या आप हमेशा थके थके से रहते हो? क्या आप 8 से 9 घंटे सोने के बाद भी अपने आप को तरोताजा महसूस नहीं करते हो? क्या जवानी की उम्र में ही आपकी सेक्स की इच्छा खत्म सी हो गई है? क्या आप थोड़े से मेहनत करने के बाद कुछ ज्यादा ही थक जाते हो? क्या जवानी की उम्र आने से पहले ही आपके बाल सफेद होने लगे हैं या फिर झड़ने लगे हैं? तो दोस्तों, मेरी मानो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी आ गई है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे सेक्स की इच्छा को कंट्रोल करता है। यही हार्मोन हमारे बाल, नाखून, स्किन और मसल मास को बढ़ाने का काम करता है। अब आप किसी भी इंसान को देखकर आसानी से यह पता कर सकते हो कि उस इंसान के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कितनी है। जैसे कि मान लो एक इंसान है, वह शरीर से काफी मजबूत और हट्टा कट्टा है, उसके चेहरे पर भरी भरी काली दाढ़ी है, उसके सर के बाल एकदम से भरे भरे और काले काले हो, और उसकी बॉडी हमेशा एक्टिव अवस्था में रहती हो, उसके आवाज में भारीपन हो, उसकी स्किन बगैर किसी मेकअप के ही ग्लो करती हो, तो ऐसे इंसान को देखकर तुरंत यह समझ जाना कि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा काफी ज्यादा है। आपको उनकी लाइफस्टाइल को देखकर उनकी कुछ हेल्दी आदतें अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए अगर आप इस हार्मोन को अपने अंदर जल्दी से बढ़ाना चाहते हैं तो। और अगर आप भी इस हार्मोन को जल्दी से बढ़ाना चाहते हो, वो भी ज्यादा कोई खर्च किए बगैर, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे चीजें चुन चुन कर लाया हूं जो कि नेचुरल भी है और यह चीजें आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी जल्दी बढ़ाएगी। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वरना आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। सबसे पहले और सबसे जरूरी दोस्तों, उन आदतों के बारे में जान लेते हैं कि किस वजह से यह हार्मोन में भारी गिरावट आती है। तो इसमें सबसे पहली आदत है स्मोकिंग करना या ज्यादा शराब या बियर पीना। दोस्तों, लड़के जैसे ही थोड़े से जवान क्या होने लगते हैं तो उन्हें यह बेकार का नशा बहुत ही कूल लगने लगता है, जिसकी वजह से वह इसे कम उम्र में ही एडॉप्ट कर लेते हैं अपने दोस्तों में अपने आप को कूल दिखाने के लिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि यह नशा एक वक्त बाद उन्हें कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। यह सस्ता नशा सीधे हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर बुरा इफेक्ट डालती है और अगर आपने इसे जल्दी नहीं छोड़ा तो आपकी भी लाइफ बिल्कुल वीडियो में दिखाए इस इंसान की तरह हो जाएगी। जवानी ढलते ही आप कहीं के नहीं रह जाओगे। दूसरी बुरी आदत है हमेशा कंफर्ट जोन में रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना। दोस्तों, यह तो आपने खुद ही देखा होगा कि जो इंसान फिजिकल एक्टिव रहता है वह लंबे समय तक फिट और जवान बना रहता है, उसके चेहरे की चमक देखते ही बनती है। उनमें बाकियों के मुकाबले टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ऐसा मैं ही नहीं बल्कि ऐसा कई साइंस रिसर्च भी कहती है। बुरी आदत नंबर 3, अत्यधिक हस्तमैथुन करना। दोस्तों, अब तक मैंने जितनी भी बुरी आदत बताई है, यह आदत उन आदतों के मुकाबले काफी ज्यादा हानिकारक है। यह एक ही बुरी आदत आपको हर जगह से लल्लू बनाकर रख देगी। ऐसे में आप लोगों अभी से इसे त्याग देना चाहिए। चौथी आदत है बिना वजह का स्ट्रेस लेना। दोस्तों, स्ट्रेस का असर सीधा हमारे चेहरे पर दिखाई पड़ता है। यह आदत हमारे चेहरे का चार्म छीन लेता है। यह आदत हमारी अच्छी हेल्थ को हमसे छीन लेता है। इसीलिए अभी से यह बात जान लो कि आपकी हालत कैसी भी हो, वह टेंशन लेने से तो सॉल्व नहीं होने वाला। इसीलिए बेवजह की चिंता करना बंद कर दें अगर अच्छी हेल्थ पाना चाहते हैं तो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे और किन आदतों को अप्लाई करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जल्दी बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहली आदत है आपकी फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल लोगों से ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा वॉकिंग करें या फिर आप कुछ देर रनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके सारे मसल एक्टिव रहते हैं, आपका खून सारे शरीर में अच्छे से घुल मिल जाता है और रनिंग करने से आपको पसीना आएगा, फिर उसने आपकी शरीर की सारी गंदगी पसीने द्वारा बाहर निकल जाएगी, जो कि आपके हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। अब टेस्टोस्टेरोन तेजी से बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी हैबिट है वर्कआउट करना। दोस्तों, मैं आप लोगों को शुरुआत से ही कहता आ रहा हूँ कि एक्सरसाइज को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। एक्सरसाइज आपको हर लेवल से मजबूत बनाए रखता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। और दोस्तों, कई रिसर्च यह साबित कर चुकी है कि जो लोग ज्यादातर लेग की एक्सरसाइज करते हैं उनमें बाकियों के मुकाबले ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया गया है, क्योंकि लेग की एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी की फैट बहुत ही तेजी से घटती है और जिन लोगों के शरीर में फैट की मात्रा कम होती है वह बाकियों के मुकाबले ज्यादा फिट और एक्टिव रहते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हाई पाई गई है। अब दोस्तों, खाने पीने की बात करते हैं।
कि ऐसी कौन सी सुपर फूड है जो कि जल्दी से टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहला है अदरक। दोस्तों, अदरक टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने और मेल फर्टिलिटी में सुधार करने में काफी मददगार है। सदियों से अदरक का इस्तेमाल औषधीय रूप में किया जाता आ रहा है। कई रिसर्च से यह पता चलता है कि अदरक की जड़ पुरुषों में प्रजनन क्षमता में सुधार कर सकती है। यही नहीं, 3 महीनों तक अदरक का सप्लीमेंट लेने वालों में टेस्टोस्टेरोन लेवल 17.7% तक बढ़ गया था। इसलिए दोस्तों, ऐसे हर रोज अदरक का छोटा सा टुकड़ा गर्म करके खाना शुरू कर दो। फूड नंबर 2 है अनार। दोस्तों, रात को सोने से पहले एक कटोरा अनार खाने से आपको काफी फायदा हो सकता है। अनार फर्टिलिटी और सेक्सुअल फंक्शन में सुधार करने के लिए जाना जाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण दिल को स्वस्थ रखने और तनाव कम करने में काफी सहायक होते हैं। साल 2012 के एक अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि अनार पुरुषों और महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकता है। और अगर आप इसमें एक कटोरा दही मिला लेंगे तो इसका आपको फायदा 4 गुना बढ़कर मिलेगा। फूड नंबर 3, जो कि इसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का बाप भी कहा जाता है, कच्चा प्याज और लहसुन। आपको खाने के साथ सलाद के रूप में कच्चा प्याज का खूब सेवन करना चाहिए। यह भले ही आपके मुंह से दुर्गंध छोड़ता है, लेकिन दिल को स्वस्थ रखने से लेकर कमर को पतला करने तक प्याज के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। प्याज में कई ऐसे पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साल 2012 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह पाया कि 4 हफ्ते तक प्याज का सेवन करने से उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल में काफी सुधार देखने को मिला था। ब्रोकोली और पालक जैसी पत्तेदार सब्जियां ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को तेजी से बढ़ाते हैं। और सबसे लास्ट में दोस्तों, सुबह की धूप में वॉकिंग या रनिंग करें, क्योंकि सुबह की धूप में विटामिन डी काफी मात्रा में पाई जाती है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।